हाँ जी। अच्छा, पूरे क्लास में हिंदी थोड़ी थोड़ी बहुत जानने वाले कितने हैं? हाथ उठाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बहुत लोग जानते हैं हिंदी। केरला तो हिंदी जानने वालों में सबसे आगे चला गया है दक्षिण भारत में। बाबा, इधर सबको पांडे जी लिखने के लिए आती है, इधर बात करने के लिए नहीं आती। हाँ, कोई बात नहीं, कम से कम समझना तो आवे। ठीक है। हाँ जी, बातचीत करना मुश्किल है। बातचीत करना मुश्किल है, वो भी आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, पक्का कर देंगे कि क्लास में जब आना है, बाबा के घर में जब आना है, तो हिंदी ही बोलनी है। जैसे छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है बाप के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, तो पहले अब बोलता है ना, उसे शर्म आती है क्या? हैं? उल्टा पलटा बोलने में शर्म तो नहीं आती? फिर भी ट्राई तो करता है ना, तो ऐसे ही हम भी ट्राई करते रहें, कभी दूसरी भाषा ना बोले, जो माँ बाप की भाषा सो हमारी भाषा, मदर टंग है। बाबा, आज मुरली में सत्यवान सावित्री की कथा बता रहे थे ना, है ज्ञान की साधन को क्या कहते? बाबा ने कहा वो सत्यवान सावित्री तो ज्ञान नहीं जानते, इसलिए वो सावित्री सत्यवान के पीछे पड़ गई है। और तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान है, तो जिसके अंदर ज्ञान होता है वो मोह में किसी देहधारी के पीछे पड़ता है क्या? है, आत्माएं जितनी है वो सब देहधारी है, देह धारण करती है कि नहीं? और हम किसके पीछे पड़े? हम तो जो देहधारी नहीं है, विदेही है, हम तो उसके पीछे पड़ते हैं। इसलिए बोला कि वो सत्यवान सावित्री तो देह के पीछे पड़े, और तुम तो देह के पीछे पड़ने वाले अज्ञानी नहीं हो, तुमको तो ज्ञान मिला हुआ है। पीछा करना ही है तो किसका करना है? एक परमपिता परमात्मा का। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी हमारा अपना नहीं है। और प्रैक्टिकल में ऐसा समय आने भी वाला है, अभी भी आ गया है। अभी लोग समझते हैं मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, लेकिन आगे चल के बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा कोई अपना नहीं है, एक परमपिता परमात्मा ही सबका अपना साबित होगा। और बाबा, लेकिन उस कहानी में वो सावित्री सत्यवान की आत्मा को दोबारा उस शरीर में भिजवा देती है, जबरदस्ती उसको दोबारा जन्म मिलता है। हाँ, लेकिन पड़ी तो देहधारी के पीछे, आत्मा को ही क्यों उस शरीर में प्रवेश कराए, परमपिता परमात्मा क्यों नहीं प्रवेश कर जाए? और एक मुरली में बोला था, कई समझे कवि, कई समझे कवि, कई समझे रवि, रवि माने सूर्य, और कवि माने कविता करने वाला। जो कविता करने वाला होता है उसकी मिसाल रवि से दी है, जिसने कविता की है वो उस कविता के मर्म को, गहराई को अच्छी तरह से जानता है, अथवा ज्ञान सूर्य भगवान जानता है। जो कविता करने वाला पहला कवि कौन है? व्यास कहते हैं। जो व्यास हुआ उसने पहले पहले शास्त्र रचे, गीता किसने रची? व्यास ने रची। पहले गीता झूठी थी या सच्ची गीता थी? द्वापर के आदि में जो गीता बनाई गई वो सत्वप्रधान सात्विक थी या तामसी थी? दुनिया की हर चीज पहले पहले सत्वप्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान बनती है। तो व्यास ने भी जो पहले पहले गीता रची थी
उसमें सच्चाई थी, उसमें कृष्ण का नाम नहीं था, है निराकारवादी रचना थी। बाद में वो झूठी गीता मनुष्यों ने कृष्ण के फॉलोअर्स में वृद्धि करने के लिए बनाई दी। तो इससे साबित ये होता है कि असली अर्थ या तो व्यास ही जानता है या तो भगवान शिव परमात्मा खुद व्यास वाली आत्मा जब कलयुग के अंत में पहुंचे, जन्म लेते लेते तामसी बन जाए, तो उसी तामसी आत्मा में फिर परमात्मा प्रवेश करे ज्ञान सूर्य, फिर उस अर्थ को समझाए। बाकी तो कोई बता ही नहीं सकता। तो यही बात है, कह समझे कवि या फिर समझे रवि, खुद समझता भी है वो दूसरों को समझाए भी सकता है। और जो अच्छा करना है वो तुरंत करना चाहिए या उसमें देर करनी चाहिए? तुरंत न किया और देर कर दी तो क्या हार जाऊंगा? जो सोच सोच के किया जाएगा उसका फल भी सोच सोच के देने वाला देगा, और जो तुरंत दे दिया उसका फल भी तुरंत मिलता है। तो कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण। महाकल्याण कब होगा? महाकल्याण का तब होगा कि जब अर्पण करने में देर न करें। अगर देर कर दी तो टाइम जो आने वाला है वो तमो प्रधान होता जाता है या सतो प्रधान होता जाता है? तमो प्रधान होता जा रहा है। तमो प्रधान टाइम होने के कारण वो माथा माया खराब कर सकती है, इसलिए अच्छे काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। और देदान चो छूटे ग्रहण, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं। कब कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण पड़ता है तो ऐसा बोलते हुए सुने जाते हैं, देदान तो छूटे ग्रहण। तो ग्रहण किसके ऊपर लगता है? लगता तो सभी के ऊपर है आगे पीछे, लेकिन जो सूर्यवंशी बच्चे हैं अथवा जो चंद्रवंशी बच्चे हैं उनके ऊपर पहले लगता है। दुनिया के और धर्म वालों के ऊपर माया का ग्रहण उतना नहीं लगता जितना सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के ऊपर लगता है। तो उन सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों का ग्रहण जो लगता है उनमें भी नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? नंबरवार। उनमें भी पहले पहले किसको लगता है? सूर्य को लगता है, चंद्रमा को लगता है। लेकिन सूर्य को लगता है क्या? है सूर्य को ग्रहण लगता है क्या? है नहीं लगता है। कैसे लगता? कैसे नहीं? सूर्य दिखाई पड़ता है दिन में, सूर्य निकला हुआ है और वो उसका आधा हिस्सा अंधेरे में आ जाता है, आधे से ज्यादा भी आ जाता है, पूरा सूर्य अंधेरे में आ जाता है, सिर्फ अंगूठी जैसी लालिमा बचती है। तो लगता क्यों नहीं है? सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है? कैसे कहते हैं सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है? सूर्य तपता है, चांद बीच में आ जाता है, तपने वाले में ग्रहण देखते हैं, लेकिन वो अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, चांद की परछाई है। हाँ, चांद बीच में आ जाता है, पृथ्वी एक तरफ है, एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और सामने सूर्य, तो चंद्रमा की परछाई धरती पर पड़ती है, तो जिस हिस्से पर परछाई पड़ती है सूर्य का हिस्सा दिखाई नहीं देता, दिखाई उनको नहीं देता है। किनको? जो देखने वाले धरती पर हैं उनको दिखाई नहीं देता है। और कहते क्या है? सूर्य को ग्रहण लग गया। उल्टी बात हुई ना। वास्तव में
चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर नहीं पड़ा, जो ज्ञान चंद्रमा का परछाया है वो धरणी वासियों के ऊपर पड़ गया, वो चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित तो हो गए, वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो ज्ञान चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित हुई पड़ी हैं। कहाँ है वो, बेसिक में है कि एडवांस में है, है? बेसिक में है। तो वो कहती हैं कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ, सूर्य विकारी बन गया। अब सूर्य विकारी बनता है या चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले विकारी बन गए? जो चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले हैं वो विकारी बन गए। तो सूर्य ग्रहण तो वास्तव में लगता ही नहीं, उसकी तो चिंता छोड़ ही दो। जो कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया वो तो बड़े बुद्धू हैं, उन्हें तो कुछ भी पता है ही नहीं। दूसरी बात चंद्रमा की ग्रहण की, तो चंद्रमा के ऊपर तो ग्रहण लगता है। कैसे लगता है? एक तरफ सूर्य है, बीच में पृथ्वी आ गई, दूसरी तरफ चंद्रमा है, इधर सूर्य, इधर बीच में पृथ्वी, इधर चंद्रमा, तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो जो पृथ्वी वासी हैं उनको चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन परछाया किसका पड़ा? पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। जो कन्याएं माताएं हैं वो कृष्ण वाली आत्मा को प्रभाव में ले लेती हैं। जैसी कन्या माताओं की खोपड़ी है ना, वैसी खोपड़ी का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव कृष्ण बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है ग्रहण में। चंद्रमा के ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है, वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी नहीं पड़ता। खैर चलो, चंद्रमा के ऊपर पड़ा। अब सवाल ये है कि दे दान तो छूटे ग्रहण, किसको दान दिया जाए और किस चीज का दान दिया जाए? वो तो खाने पीने की चीजों का दान दे देते हैं, वो तो स्थूल दान की बात हो गई, लेकिन खाने पीने की चीज की बात नहीं है। यहाँ है खाना पीना हमारा योग, हमारा खाना क्या है? हमारी आत्मा का भोजन है याद, तो याद का दान हम चंद्रमा को दें तो उसका ग्रहण छूट जाएगा। जो माताओं कन्याओं के प्रभाव में आया हुआ है वो प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। वो माताएं कन्याएं भी कहाँ बैठी हुई है, है? वो माताएं कन्याएं कहाँ बैठी हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही है? बेसिक में बैठी हुई है, वो बेसिक में बैठी हुई ब्रह्मा कुमारी है। दादा लेखराज कृष्ण की आत्मा के ऊपर प्रभाव डालती रहती है, बड़ी मनौती करती है, बहुत आवाहन करती है, तो कृष्ण बच्चे का अभिमान और ज्यादा बढ़ता है कि घटता है? और ज्यादा बढ़, हाँ मैं ही भगवान हूँ इसलिए मेरे को बुलाते हैं। और ज्ञान चंद्रमा को कैसे दान दें? ज्ञान चंद्रमा को कैसे? याद का दान दो, याद उसे है ही नहीं, वो जानता ही नहीं भगवान कौन है। उसका भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई को भी पता नहीं है, कैसे दान दे दिया? कोई को क्यों नहीं पता, कोई को पता ही नहीं कि भगवान कौन है और कैसे है। इधर वाला को, एडवांस वाला को भी, एडवांस में भी कोई को भी पता नहीं, एडवांस में कोई को पता नहीं कि भगवान कौन है, भगवान पता ही नहीं। तो वही था, वही उसी की याद का दान देना है, किसको देना चाहिए? उनको भी, चंद्रमा को। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा कहाँ बैठा है? हाँ वो कहीं में पता नहीं है, आप बताइए। ज्ञान चंद्रमा कहाँ बैठा है? शंकर के मस्तक में बैठा है। ये क्लैरिफिकेशन तभी तो भगवान से पावर लेकर के ज्ञान चंद्रमा को दे। हाँ चंद्रमा को जो शंकर के मस्तक में बैठा हुआ है उसको दान देना है। किस चीज का दान देना है? शंकर को दान नहीं देना है, शिव बाबा को नहीं देना है, कौन सी आत्मा को देना है? ब्रह्मा को दान देना है, ताकि उसकी बुद्धि में बैठ जाए। और भक्ति में ग्रहण के समय खाना खाना मना है, ग्रहण के समय, ग्रहण
उसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा, जब हम समझ रहे हैं कि ब्रह्मा ग्रहण लग गया, विकारों का ग्रहण किसको लगा है? ब्रह्मा को ग्रहण लगा तो किसके शरीर के द्वारा ग्रहण लगेगा? ब्रह्मा की सोल को ग्रहण लग गया विकारों का, तो किसके शरीर के द्वारा ग्रहण लगेगा? उसका अपना शरीर तो छूट गया, किसके शरीर के द्वारा ग्रहण लगेगा? अरे हैं, शंकर, शंकर में ही तो प्रवेश करके वो शंकर बनता है। तो उस शरीरधारी सहित ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा को योगदान देना है कि ये विकारों का ग्रहण हट जाए। उसके विकारों का ग्रहण हटेगा, विकारों का परछाया हटेगा, तो बुद्धि शुद्ध बनेगी। शुद्ध बुद्धि में ये बात जल्दी बैठेगी, गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण की सोल नहीं है। फिर सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक ही बड़ी से बड़ी भूल का सुधार होगा तो सारी भूलों का सुधार हो जाएगा। और हिसाब किताब कहा जाता है 63 जन्मों से कनेक्टेड, और पोता मेल तो हम सिर्फ इसी जन्म का जानते हैं। पोता मेल माने इस जन्म में हमने जो गलतियां की हैं, जिन गलतियों को हम अंदर अंदर बार बार याद करते रहते हैं, वो गलतियां हमको बार बार याद आती हैं, खोपड़ी खराब करती हैं, तो वो गलतियां हम बाबा को लिख करके दे देवे, तो हमारा वो पोता मेल कहा जाता है। देने वाली चीज पोता मेल वर्तमान जन्म से कनेक्टेड है, और हिसाब किताब 63 जन्मों से कनेक्टेड है। और ये पोता मेल जो है वो लिख के बाबा के हाथ में देना है या भेजना है? कुछ भी करो, भेजना माने जो प्रॉपर चैनल है उसी के थ्रू भेजना। ऐसा थोड़े कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा के हाथ में दे देना। इंचार्ज बहन है उसके हाथ में दो, जो और निमित्त टीचर्स हैं, असिस्टेंट बहन है उनके हाथ में दो, जो सरेंडर्ड हैं, किसी है। बाबा के हाथ में भी दे सकते हैं, सीधे बाबा के हाथ में दे दो। पोता मेल देने से क्या होता किताब माइनस खत्म हो जाएगा क्या? अरे जो जज है जो जज है और जज के सामने कोई अपनी भूल जाकर के स्वयं ही जाकर के जज के कोर्ट में जाकर के खुद स्वीकार कर ले कि हाँ हमने इस तरीके से इतनी गलती की, हम आपके सामने दिल खोल करके रख रहे हैं, हमारे से गलती हो गई, तो जज को रहम आ जाएगा ना कि बच्चा है तो सच्चा है, तो आधा माफ कर देगा। तो शिव बाबा भी आधा माफ करते हैं। आधा 50 किलो वजन रखा हुआ है सर के ऊपर, आदमी को मीलों की सफर करना है तो 50 किलो तो बहुत थका देगा, और उसमें से अगर 25 किलो कम कर दिया जाए तो हल्का हो जाएगा ना, तो आराम से चल सकता है। तो इसी तरह है ये जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा तो है ही, लेकिन इस जन्म के जो पाप होते हैं वो 100 गुना चढ़ जाते हैं, तो बोझा ज्यादा चढ़ जाता है, तो तुरंत लिख करके देना चाहिए। अगर तुरंत लिख के नहीं दिया तो उसका बहुत वृद्धि होती, वाचा से भी बनता है पाप। क्या श्रीमत के वर खिलाफ, ईश्वरीय सेवा के वर खिलाफ अगर कोई उल्टा वचन बोल दिया, क्या सेवा के संबंध में कोई दूसरी सेवा कर रहा है, हम सेवा नहीं होने देंगे, तो ये सर्विस की या डिससर्विस की है? ये डिससर्विस हो जाती, डिससर्विस हो गई तो ऐसी डिससर्विस का फिर उजूरा तुरंत दिन दूना रात चौगुना चढ़ता है, 100 गुना बोझा चढ़ गया ना, तो वो बोझा दिल को खाता रहेगा। इसलिए वाचा से भी अगर कोई भूल हो जाती है तो तुरंत बाबा को लिख करके देना चाहिए। बाकी मनसा के लिए बताया है कि मनसा में तो अच्छे बुरे उल्टे पलटे संकल्प आते ही जाते रहते हैं, उनसे कोई पाप कर्म नहीं बनता, और कर्मणा में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और
अब आजकल केरला में दुनिया बहुत डर कर रहता है। केरला में सभी जगह डर के रह रहे हैं। ये केरला में तमिलनाडु में इधर एक डाम है मुल्लपेरिया। मुल्लपेरिया मुल्लपेरिया वो अभी ढूंढेगा ढूंढेगा बोल करके पॉलिटिकल लीडरों ने बहुत अफवाह पेपर में वगैरह फैला करके दुनिया को बिल्कुल सोना। अगर टूटेगा अभी ये कहाँ पर है? ये इधर है, इधर से 200 किलोमीटर दूर है। केरला में है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। और केरला और तमिलनाडु जो बॉर्डर है वो सारा का सारा समंदर के किनारे है। तो अगर डैम टूटेगा भी तो समंदर में ही सारा पानी जाएगा, इतना डरने की क्या जरूरत? चाप जिला चला जाएगा, चाप जिला है के लोग चले जाएंगे। उसकी ज्यादा चिंता न करो, उसकी चिंता की ज्यादा की बात नहीं है। पहली चिंता करो वो नंगल डैम। इधर इधर बैगत का डैम क्या है? बैगत का डैम क्या है? बैगत का डैम, हाँ बेहद का डैम कोई एक नहीं है। जैसे वो डैम अनेक प्रकार के हैं, वैसे ये बेहद के भी डैम अनेक प्रकार के हैं, जो ज्ञान को रोका हुआ है। क्या ये ज्ञान की जो धारा है ना, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो रोक के रखना चाहिए या उसको खुले हम भाई आओ हमारे यहाँ भी हमारे बेसिक सेंटर में भी आकर के ज्ञान सुनाओ, वो होना चाहिए। क्या करते हैं जो ब्राह्मणों की गवर्नमेंट है वो अभी क्या कर रही है? रोक रही है। अरे सुनना नहीं क्या? VCD बिल्कुल बिल्कुल दोसना नहीं, कानों से सुनना नहीं। अगर सुना तो बस बंटा डार हो जाएगा तुम्हारे पुरुषार्थी जीवन का। ऐसे डर पाए देते हैं। ये डैम बांधे हुए हैं, 100, 200, 250, 300 लोग एक क्लास में बैठते हैं और सबको एकदम बांध के रखा हुआ है। बिल्कुल एडवांस ज्ञान नहीं सुनना। तो ये डैम बांधा हुआ है कि नहीं? और ऐसे ढेर के ढेर डैम बने हुए पड़े हैं। ये बेहद के डैम हैं जो ज्ञान की धारा को रोके हुए हैं। एक टाइम ऐसा भी आवेगा ये सारे डैम फटने लग पड़ेंगे। जब जमीन हिलेगी तो क्या हाल होगा? तो सारे डैम टूटने लग पड़ेंगे। इकट्ठे अगर टूटेंगे डैम तो फिर बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? हैं? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने से नुकसान होगा फिर क्या? बाढ़ में क्या नुकसान हो जाता है? नहीं, बहते तो हैं, बह तो अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी जो ज्ञान का जल बहता है वो शुद्ध जल बहता है। उस समय क्या होगा कि सारा मिट्टी 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 दे अभिमान की मिट्टी भी मिल जाएगी पानी में, बाढ़ में सब अंधे हो जाएंगे। दे अभिमान की मिट्टी जब ज्ञान में मिल जाती है, कोई अपने तरीके से सुनाता है, कोई अपने तरीके से सुनाएगा, कोई अपने तरीके से सुनाएगा, बाढ़ आ गई चारों तरफ। सुनाने वाले भी ट्रेंड होने चाहिए ना, कि जिसके दिल में जो आया सो सुनाना शुरू कर दे एडवांस ज्ञान। और बाबा ये जो आखिरी जन्म के लौकिक परिवार है वो भी तो एडवांस में आएंगे, उनके लिए तो तुमको वरदान मिला हुआ है। तो वो जब आएंगे तो अभी एडवांस में भी तो 9 कुल के है, 9 कुलियों के लोग है, तो वो वही कुल में आएंगे जहाँ पे पहले ने आया? जिसको वरदान मिला हुआ है वो जिस कुरी में होगा उसके ऊपर विश्वास बैठ जाएगा कि हमने सच्चाई को नहीं जाना, और इस बच्चे ने, इस माता ने, इस बुढ़िया ने सच्चाई को पहचान लिया, तो वो उसको देवी मान के बैठ जाएगा। भगवान की बात नहीं मानेगा, किसकी मानेगा? उसकी बात मानेगा कि यही सच्चाई है, ये सच्चाई मेरे घर में पैदा हुई थी। तो जिस कुरी की वो होगी आत्मा, वो उसी कुरी के वो सब हो जाएंगे। लौकिक परिवार में ग्रह युद्ध नहीं होगा? अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। बाबा ये जो के बारे में बोलते हैं ना बाबा, है अगर
अवतार, तो उसके परशुराम अवतार होते हैं, तो परशुराम अवतार और केरला से कनेक्शन का राज क्या है? स्पर्श से बनता है परशु, स्पर्श है, स्पर्श में बिगड़ा हुआ रूप है परशु, स्पर्श किया और देह अभिमान कटा, ये है परशुराम का काम। भक्ति मार्ग में तो उल्टा उल्टा उठाया हुआ है, देह अभिमान की बातें उठाई हैं, हिंसा की आतें उठाई हैं। भगवान भगवान का अवतार लेता है तो हिंसा करता है क्या? हिंसा नहीं करता, वो स्पर्श राम है, जिसके जिसके साथ उसका स्पर्श होता है उसी का कल्याण हो जाता है, तो अच्छी बात है। ज्यादा ज्ञान कहाँ फैला है? कौन सा स्टेट है जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं? केरला के लोग सबसे जास्ती एजुकेटेड है, तो ईश्वरीय ज्ञान भी सबसे जास्ती एजुकेटेड बनेंगे या नहीं बनेंगे? इसलिए लास्ट में फास्ट जाता है कौन? केरला ही लास्ट में निकला है, कश्मीर भी निकल गया, आसाम भी पहले ही निकल गया, नेपाल भी निकल गया, सिक्किम भी निकल गया, चारों ओर आवाज फैल गई, तब लास्ट में अभी केरला का नंबर आया। तो लास्ट में फास्ट जाना पड़े। कैसा फास्ट जाना पड़े? कि थोड़ा भी किसी को देखा और बस उसका कल्याण हुआ, थोड़ा भी किसी को सुनाया तो वाचा का स्पर्श हुआ और कल्याण हुआ, थोड़ा भी कोई कनेक्शन में आया और कनेक्शन में आते ही ज्ञान की बौछार उसके ऊपर काम कर गई। और दशावतार का क्या मतलब क्या? दस धर्म हैं, है तो दसों धर्मों में दस आत्माएं हैं विशेष। कितनी आत्माएं हैं? दस आत्माएं विशेष हैं जो अपने फॉलोअर्स का कल्याण कर देती है। अपने फॉलोअर्स के लिए जैसे कि भगवान बन गई, वो ही दस अवतार हो गए। बाबा, ये जो देवता वाणी है जो अभी चल रही है माउंट आबू में, वो मुरली को काटती नहीं, तो ये पहला देवता के लिए बस लागू है या सनातन धर्म के अनेक देवताएं जो द्वापर के बाद भी आते हैं उनकी वाणी भी मुरली को काटती नहीं है? ऐसा देवताओं में भी नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? नंबर वार। सत्युग त्रेता के जो 10 करोड़ देवताएं हैं वो नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? नंबर वार। उनमें और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं या नहीं हैं? है। लेकिन ये देवता ऐसा है जो अव्वल नंबर है, भगवान भी उस बच्चे को पसंद करता है। मेरा अजीज बच्चा है कौन? ये ब्रह्मा। तो उसके मुख से जो निकली हुई वाणी है वो देव वाणी है। और बाबा मुरली में आया, एक दिन बाबा की मुरली टेलीविजन में दिखाई देगा, पूरी दुनिया दिखाई देगा। एक बाबा की मुरली, बाबा सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े दुनिया में आदमी होते हैं उनकी वाणी को चारों तरफ फैला देते कि नहीं? अमेरिका राष्ट्रपति कुछ भी बोलेगा, कोई भी देश के अखबार में वो जाके फट छप जाएगी बात, तो जो बाबा बोलेगा उसमें दुनिया दिखाई देगी। और बाबा के नरसिंह नारायण और नारी से लेट बनाने के लिए एक एक ही आत्मा में दो संस्कार हैं, है ना?
एक ही आत्मा में दो संस्कार, लक्ष्मी एक जन्म में, एक आत्मा कहाँ है? लक्ष्मी की आत्मा अलग है, नारायण की आत्मा अलग है। एक जन्म में एक आत्मा लक्ष्मी बनता है, दूसरे जन्म में नारायण बनता है। नहीं, भले नारायण बने, ये कहो एक जन्म में राजा बनता है, एक जन्म में रानी बनता है। लक्ष्मी और नारायण तो सिर्फ एक ही जन्म है जिसमें वो लक्ष्मी बनेगी और वो नारायण, बाकी किसी जन्म में तो नर नारायण नहीं बनेगा। हाँ, राजा रानी बनेगा। नारायण जो है वो राजा बनेगा और लक्ष्मी रानी बनेगी, राजा भी बन सकती है। बाकी लक्ष्मी नहीं बनेगी किसी जन्म में, त्रेता के पहले जन्म में भी जा करके वो लक्ष्मी बने, वो रानी बनेगी, वो राजा बनेगा, इतना अंतर हो सकता है। बाकी लक्ष्मी और नारायण तो सिर्फ संगम युग पर ही बनेंगे। माता जी की ये है, मतलब ये है कि एक ही आत्मा में स्त्री और पुरुष की संस्कार, वो ही तो बताया, राजा रानी बन सकते हैं। दो संस्कार जो है वो राजा रुद्रमाला बनती है। विजयमाला राजा है या रानी है? रानियों की माला है वो, उनको अधीन ही रहना, अधीन रहने में ही उन्हें सुख है, स्वाधीन रहने में वो सुख अनुभव नहीं करती। तो जब राजा बनेंगे तो कैसे रहेंगे? कौन? वही जो रानी, जो इस जन्म रानी है, नहीं बनती नहीं। द्वापर कलयुग में तो राजा बनेगी नहीं, उसने राजा की संस्कार ही नहीं है। हाँ, सत्युग त्रेता में आकर के पहले जन्म में राजा राम के रूप में घोषित हो जाएगी, वहाँ तो राजा की बात ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई राजा ही होती है? कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करता है? नहीं, वहाँ शासन अनुशासन होता है, सब शासित है, अनुशासन ही कोई है ही नहीं, तो किसके ऊपर शासन करेंगे? पुरुष संस्कार उधर दिखाने की जरूरत, दिखाने की जरूरत ही नहीं। और आगे की मुरले में बोला बोर्ड बनवाकर दिखाने की, कौन सा बोर्ड है, कैसा है? ओ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने देखो ये बोर्ड बना दिया, सुन लो तुम अपना बना लो। इन्होंने बनाया है बोर्ड का मैटर, बहनों और भाइयों, सर्व का पतित पावन सदगति दाता परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव रुद्र से आपका क्या संबंध है? पूछने वाला खुद तो जाने पहले रुद्र कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? इस पहली को समझने से सेकंड में फिर से ईश्वरी जन्म से अधिकार सत्यजी विश्व का पवित्रता शांति सुख संपत्ति का अटल अखंड जीवन मुक्ति सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी स्वराज्य का पद 21 जन्मों के लिए पा सकते हो होवनहार महाविनाश के पहले। नीचे लिख दो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया ईश्वरी विश्वविद्यालय, इन्होंने डीओ बना दिया, तो 60 से 60 मीटर दूसरा बनाओ। ये मेथड तो सही है, है? हमारे पर लागू होता है ये मेथड, लेकिन उनको ये मेथड तो करेक्ट है हमारे। आज वेले के समय पर एक ही स्थान पर बैठकर याद करना चाहिए या काम करते हुए भी याद करना चाहिए? मुख्य बात है प्रैक्टिस की, बैठे और नींद आ जाए तो लुढ़क गए, उससे तो अच्छा मुरली पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम जगने की प्रैक्टिस तो पड़ेगी, फिर धीरे धीरे जब जगने की प्रैक्टिस पड़ जाए तब फिर उसको धीरे धीरे और आगे बढ़ाओ। बढ़ाते 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 ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि 2 बजे से या 1 बजे से उठ करके बैठेंगे और लगातार 3-4 घंटे तक बिंद रूप स्टेज में टिके रहे, कोई दूसरा संकल्प नहीं, मैं आत्मा बच्चा और मेरा बाप शिव बाबा, बस। तो उसे एकाग्रता में ज्यादा फायदा है या मुरली पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, चलते फिरते याद कर रहे हैं नींद से बचने के लिए, उसमें ज्यादा फायदा? ज्यादा फायदा किसमें होगा? जब एक्यूरेट याद करेंगे लगातार तो उसमें फायदा है।
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस तो धीरे धीरे करेंगे कि पहली सीढ़ी छोड़ करके एकदम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। पहली स्टेज को छोड़ दे कोई और एकदम आखिरी स्टेज पर चढ़ना चाहे तो गिरेगा या गिरेगा? एक ही दिन करेंगे। हाँ जी, बाबा एक बाबा को याद करना परमधाम नहीं है तो कैसे परमधाम में याद करेंगे? कैसे परमधाम? परमधाम मालूम नहीं है कहाँ है? ये पता है कि नहीं कि परमधाम है कहाँ है? मालूम है? मालूम है क्या है, कहाँ है? जहाँ बाबा बैठे वहाँ परमधाम, और बाबा यहाँ से उठ जाए तो परमधाम भी उठ जाएगा साथ साथ में। परमधाम स्टेज, परमधाम की स्टेज। परम माने परे ते परे और धाम माने स्थान। तो बाबा ने जो मुरली में बताया वो तो ये बताया कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, उस माहौल से भी परे, जो सशक्त माहौल है ब्रह्मांड का वो परम धाम का है। लेकिन सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के दायरे के अंदर नहीं है वो। तो वो परम धाम हुआ कि जब विनाश होगा तो सब आत्माएं वहां पहुंचेंगी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले पहले स्टेज बनाएंगी तब पहुंचेंगी, या बिना स्टेज बनाए पहुंच जाएंगी? पहले हर मनुष्य आत्मा की परम धाम की स्टेज बनेगी तब परम धाम पहुंचेंगे, या बिना प्रैक्टिस किए स्टेज बनाए पहुंच जाएंगे? क्या होगा? पहले प्रैक्टिस करनी पड़े। तो प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस को सहज करने के लिए बाबा ने तरीका बताया कि अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार है शरीरधारी, कौन सा शरीरधारी? जिसमें हमने ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से देख लिया, पहचान लिया, जान लिया कि शिव बाबा इसमें आता है। क्या? तो वो ही शरीरधारी, वो ही हमारा परमधाम हो गया। क्या? निर्वाण धाम हो गया, परम ब्रह्म हो गया। और ब्रह्मा तो छोटे मोटे हैं, वो हमारा क्या हो गया? परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्म फिर उससे भी ऊंचा, गुरु विष्णु फिर उससे भी ऊंचा, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो वो कौन हुआ? वो साक्षात परम ब्रह्म कौन हुआ? शिव बाबा। जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, वो हमारा परम धाम हो गया, हमारे लिए सहज से सहज हो गया। ये बाबा ज्ञान से निश्चय आ जाए फिर भी योग ना लगे तो उसका कारण क्या? ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है, प्रैक्टिकली ज्ञान को बुद्धि में नहीं बैठाया है। ज्ञान जो प्रैक्टिकली बुद्धि में बैठता है उसे प्रैक्टिकल के अंदर छुपा हुआ है प्योरिटी, वो प्योरिटी धारण नहीं किए। बाबा अनुद्ध वेला के समय समान की याद करना आवश्यक है? अनुद्ध वेला समय समान की याद करना आवश्यकता है। समान क्या है? समान क्या है? है मैं आत्मा, मैं आत्मा माने क्या? मुख से बोलते रहे मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ये आत्मा क्या करें? अरे कैसा समान धारण करें? आत्मा के गुणों को स्मरण करें। आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, आत्मा का परमात्मा बाप से कनेक्शन होना चाहिए, ये बातें याद करें। मैं आत्मा परम बाबा का बच्चा, मैं आत्मा
शिव बाप का बच्चा हूँ, बच्ची नहीं हूँ। आत्मा तो बच्चा है। हाँ आत्मा बच्ची का शरीर धारण करके बच्ची नहीं बनती हूँ। मैं आत्मा की बात है, सबकी बात नहीं है यहाँ पर। मैं आत्मा क्या हूँ? सारी बातें बताएंगे, जो असली बात पकड़ की होनी चाहिए सो नहीं बताएंगे। और बताओ क्या क्या बताएंगे? समान को कैसे धारण करें, ये इतनी बातें तो इतनी लोगों ने बताई, और बताओ। समान को धारण करने का मूल रूप क्या है? शांत स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, माने शांत होके बैठ जाए वो ही आत्मा है। आत्मा अपना ओरिजिनल स्टेज में रहता है। ओरिजिनल स्टेज क्या है? सात्विक गुण। सात्विक गुण क्या है? चैतन्य, चैतन्य बिंदु। हाँ असली बात जो आई वो ये आई, जब किसी को याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है। क्या पेन तो रूप याद आया कि नहीं आया? ना दरवाजा रूप याद आया ना, तो पहले किसी को याद किया जाता है तो क्या याद आता है? रूप याद आता है। उस रूप को पकड़ो कि स्वमान का रूप क्या है, असली रूप क्या है, क्या है? ज्योति बिंदु, काला बिंदु या श्वेत बिंदु? स्वयं प्रकाशित ज्योति बिंदु। स्वयं प्रकाशित ज्योति बिंदु। स्वयं प्रकाशित होता है या परमात्मा बाप से प्रकाशित होता है? स्वयं प्रकाशित ज्योति बिंदु तो भी अहंकार आ जाएगा कि मैं तो पहले से ही भगवान हूं। तो सफेद स्टार याद आए, ये है पक्का समान। सवेरे सवेरे उठते उठते कोई दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए। क्या संकल्प आए? अंतर चक्षु से, तीसरे नेत्र से क्या देखना? स्टार दिखाई पड़े। कहाँ दिखाई पड़े? नाक के ऊपर नहीं। ये आत्मा का स्थान नहीं है। जो ओरिजिनल स्थान है उसी जगह पर याद करना, मैं आत्मा स्टार हूँ। अब उस स्थिति में, उस देखने की स्टेज में जितनी देर टिक सकें वो इस समान में टिकना हुआ असली 100%। अगर थोड़ा भी बुद्धि तिरक गई तो समान गया। फिर याद आया, फिर याद किया, बार बार याद आएगा, बार बार तिरकेगा, लेकिन हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं हारना, अमृत वेले को सफल करना है, प्रैक्टिस करना है, दृढ़ता करनी है। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, ये दुनिया में आग लगी कि लगी खत्म होने वाली है, क्या? ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरे काम आएंगे, सब सब बेकार बातें। कोई मेरा नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा दूसरा न कोई। एक किताब महोदय वाले को मिलेगा, देश का कदम से मिलेगा। बाबा मिलन का डेट कैसे दादी पर आते हैं? पहले ये कैसा मिलता है उनको? कहाँ महामाता को मैं बात आते हैं ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। तो उनको डेट पहले से कहाँ से मिलता? ऐसे भूत प्रेतों को आवाहन करते हैं ना अवलिया लोग। हाँ। अवलिया लोग देखे कभी? वो अवलिया लोगों के अड्डा होते हैं भूत प्रेतों को आवाहन करने के, तो वो उनमें आवाहन करते हैं, तारीख दे देते हैं, इस तारीख को आना, वो आएगा, तो वो आकर के प्रवेश करता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोली प्रवेश करती है। और बाबा आपने अभी जो बोला समान का, तो जो मुरली में कहा जाता है साकार में निराकार को याद करना, नहीं वो समान माने आत्मा, ये याद करने वाली बात अलग। हाँ वो अलग, याद करना अलग बात। याद हमें करना है, सिर्फ आत्मा को याद नहीं करना है। आत्मा को याद करके हमें परमपिता परमात्मा को याद करना है। सिर्फ आत्मा की याद किया
उससे पावरफुल नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा तो पहले ही उलझ आई हुई है, काली बन चुकी। तो समान में रहकर दूसरा याद, हाँ, बाप को याद करना है। हाँ जी, तो मन में हाँ जी, हाँ जी, बाबा 42 में राम बाप चले गए और 69 में ब्रह्मा दादा लेकर श्री छोड़ते। तो ऐसा बोलते हैं ना, बाप दादा कभी अलग नहीं होते, अलग नहीं करा सकते। हैं? तो बाप दादा, हाँ, तो उनको कभी भी अलग नहीं करा सकते। बाप दादा वो दोनों मिलके रहते सदा, अलग नहीं होते। तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। तो 42 और 59 तक का टाइम में पीरियड में शूटिंग में कुछ डाल थे, ये दोनों अलग रखे थे ना। हाँ हाँ, तो इसमें तो बच्चों ने अलग कर दिया ना, झगड़ा करा दिया ना, माँ बाप के बीच में झगड़ा करा दिया ना बच्चों ने, तो अलग करा दिया, वो फिर मिलकर के एक हो गए। अभी फिर बच्चे अलग कर रहे हैं, फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। हाँ बाबा, हमारी संस्कार में ये अर्धांगनी कहा जाता है युगल को। हाँ जी, तो कभी एक मुरली में आया था कि अगर कोई याद करता है तो उसकी युगल को उसका हिस्सा मिलता है, ऐसा कुछ है, इसलिए अर्धांगनी कहा जाता है। उसका हिस्सा तब मिलेगा युगल को जब युगल अपनी प्योरिटी का आधा हिस्सा उसे दे। अगर लेना देना कुछ हुआ नहीं, अब मुफ्त में आधा दे देगा वो। ये तो लेन देन का व्यवहार है। कन्या माताओं के पास है प्योरिटी की पावर और पुरुषों के पास है याद की शक्ति, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है रूप और एक है बसंत। प्योरिटी में खुशबू है, क्या प्योरिटी खुशबू से भरी पूरी है, और जो याद है उसमें रूप भरा हुआ है परमात्मा का। ये दोनों मिलकर के रूप बसंत की जोड़ी है स्त्री पुरुष। अब दूसरे शब्दों में अगर कहें कि लूले लंगड़े की और अंधे की कहानी है, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो इस भव संसार को पार करेंगे, नहीं मिलेंगे तो ये संसार पार होने वाला नहीं है, भगवान इसमें कुछ नहीं करेगा। आज ज्यादातर ये देखा जाता है दुनिया में कि स्त्री को ठुकरा रहे हैं, एक स्त्री छोड़ी दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरी छोड़ी तीसरी पकड़ लेते हैं, तो क्या उससे पार चले जाएंगे? पार नहीं हो सकते, वो कोई अर्धांगिनी नहीं है, उन्होंने कोई प्योरिटी का आधा अंग नहीं दिया है, वो तो और ही ज्यादा वैश्या बन रही है और लंपट बनाए रही है। वो क्या पार लगाएंगी, वो क्या गुरु बनेंगी? और दान देते हैं इसलिए गुरु बने। पवित्र रहना सिखाते हैं इसलिए गुरु हैं। बाबा 325 मुरली में ये VCD में एक जगह बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा भी निराकार को याद करते थे, मतलब बिंदु को, तो इसीलिए वो भी गुरु है, सारे गुरु और एक सदगुरु। और शिव बाबा भी तो निराकार बिंदु को ही याद करते हैं। शिव बाबा जब कहते हो तो सिर्फ शिव ज्योति बिंदु है या साकार भी है? नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, दोनों। आप भले दोनों को याद, आप शिव बाबा की बात कर रहे हैं।
आप अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, आपने पूछा शिव बाबा के बारे में, तो शिव बाबा जब याद करते हैं तो वो शिव है या बाबा है या शिव और बाबा दोनों है? तो उसे याद करना सहज है या कठिन है बताओ? उसे तो याद करना सहज है क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, उसमें शिव भी है और वो स्वयं साकार भी है, तो साकार में वो निराकार प्रवेश है। जब ये निश्चय बुद्धि में बैठ गया कि इस साकार में वो निराकार प्रवेश है, तो अपने स्वरूप को याद करना किसी को कठिन लगता है या सहज लगता है? हैं? सहज है, उनको जितना सहज से सहज है उतना सहज किसी को है ही नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी तब पैदा होगी जब अनिश्चय पैदा हो, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, पता नहीं है या नहीं है। सारी दुनिया, सारे अखबार, सारी टीवियां, सारे रेडियो, सारे मनुष्य, सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले, सारे बाहर वाले, सारे मोहल्ले वाले, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सारे एडवांस वाले तो धू धू तैया मचाए रहे हैं। आज निश्चय बुद्धि है, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, आज सहयोगी बनते हैं कल दुश्मन बन पड़ते हैं, तो पता नहीं है कि नहीं है। जो बेसिक पे एडवांस में आया हुआ बच्चों वो बेसिक वाला बुलाकर पूछता है, बेसिक से जो एडवांस में आया हम लोग जैसे लोग बुलाकर पूछे, देखो अभी तुम्हारा क्या हालत हो गया। अच्छा, जो फरुखाबाद में जो हादसा टीवी में वगैरह दिखाई दिया उसका खबर बुलाकर के हमको, हाँ अखबारों की प्रतियां छपा के आपको दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। अभी देखो तुम्हारे ऐसा हालत हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। हाँ, अच्छा तो कैसा हाल, तुम पूछ नहीं सकते कैसा हाल हो गया, क्या हो गया? पूछा, उसको तो जवाब नहीं है। क्या हाल हो गया? अच्छा हुआ। अरे ये कोई हाल हो गया? ये तो तुमने पैसे दिए, तुमने यज्ञ का पैसा लुटाया और लुटा करके तुमने ये अखबारों में छपवा दिया, वो तो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं, तुमने कुछ बिगाड़ पाया? जवाब दो उनको, टके सा जवाब सा। जो बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो वो तो धर्म के ऊपर आड़े हुए हैं, तुमने उनको हिला पाया, कुछ बिगाड़ा हैं? तुम एक छोटी सी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसकी भी बुद्धि को नहीं मोड़ पाए। मीना नाम की बच्ची जिसके आधार पर बितंडाबाद खड़ा किया था, हाँ वो भी जहां की तहां पहुंच गई, फिर वहीं आश्रम में पहुंच गई, तुम्हारे मुंह पे थूक मार दिया, तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं रहा, इतना करोड़ों पैसा तुमने अखबार वालों को लुटा दिया। तुम एक छोटी सी कन्या को हार नहीं दिखा सके, तो बताओ तुम अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि तुमने ईश्वरीय सेवा का पैसा बर्बाद किया या आबाद किया? आप चुप रह जाते हो तो उनको भी बड़ा उमंग उत्साह आता है। वाह अरे हम उसको हमने पूछा, हमने उसका जवाब ज्यादा लोग, वो ज्यादा लोग तुम्हारा एक मुंह जितना काम करेगा उनके ज्यादा मुंह उतना काम करेंगे। तुम्हारे एक मुंह में सच्चाई निकल रही है और उनके ढेर के ढेर मुंहों में से झूठ निकल रहा है। सच्चाई सुनने वाला भी नहीं है। जो तुमसे आके बात करता है उसको जवाब नहीं दे सकते? जो हमसे आके बात करे, देखो ये अखबार, देखो ये हाल होगा तुम्हारा, तो उसे हम जवाब नहीं दे सकते? उसे तो जवाब दे सकते हैं, दुनिया चिल्लाती रहे, वो पीछे से चिल्ला रही है। और तब एक आत्मा का विशेष ज्ञान है, अनेक जन्मों का ज्ञान, वो हर आत्मा को अपनी धर्म पिता से मिलेगा या अंत में हर आत्मा को सीधा यहाँ देख लो, पहले पहले यहाँ टैली करके देखो फिर वहां जाओ, उतनी दूर क्यों जा रहे? पहले यहाँ क्या हिसाब दिखाई पड़ रहा है?
यहाँ हिसाब क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? अरे यहाँ पहले किसको मिल रहा है और किसके थ्रू तुमको मिल रहा है? अपने बाप से अपने बच्चों को, अपने बाप से अपने बच्चों को मिल रहा है। तो पहले यहाँ भी बाप पहचानता है तो वहाँ भी पहले वो धर्म पिताएं पहचानेंगे, अपने अनेक जन्मों को जानेंगे, बाद में उनके नंबर वार फॉलोअर्स जानेंगे। बाप के थ्रू कोई सिलसिला होगा ना, कोई कनेक्शन बनेगा कि बिना कनेक्शन के सबका कनेक्शन शिव ज्योति बिंदु से हो जाएगा? और जो पीढ़ी के चित्र में सबसे नीचे फकीर एक फकीर दूसरे को हाथ दिखाता है, जो पीढ़ी के चित्र में सबसे नीचे है जो फकीर का वेश में है वो विदेशियों को हाथ, भिखमंगा भारत वो क्या है उसका? उसका अर्थ ये है कि भारत वाली आत्मा भा माने ज्ञान की रोशनी, भा माने रोशनी और रत माना लगा रहने वाला, एंगेज्ड कायम एंगेज्ड ज्ञान की बातों में एंगेज्ड ऐसा भारत कांटों की शैया पर आकर गिरता है कलयुग के अंत में। कब कलयुग का अंत होता है, कौन से सन में होता है कलयुग का अंत और नई दुनिया की शुरुआत? 76. है 76 में। तो 76 में उसकी ये हालत होती है। क्या हालत होती है? कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है, उसके पास खाने के लिए अपने दो रोटी नहीं है, कौन देता है? वो विदेशी आत्माएं हैं जो विदेशी धर्मों की बीज हैं, वो उसको देती है, दाना पानी देती है। उसे दाना पानी के आधार पर उसका मुख चल पाता है, उसका तन चल पाता है, उसका तन काम करता है, तब वो ईश्वरीय सेवा करता है, कुछ कमाई कर पाता है। तो भिखमंगा है, भीख मांग रहा है भारत। क्या कब तक मांगता है वो शिव बाबा? हाँ वो शिव बाबा का 5 ईयर प्लान है। वो 76 में शुरू होता है, प्लानिंग बनती है 76 में, और 76-77 के अंदर प्लानिंग बनके 77 संपूर्णता वर्ष में प्लानिंग पूरी हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। 77 के बाद गिनना शुरू करो, 78 79 80 81 82 के बाद 83 जैसे ही शुरू हुआ, 83 में 13 होना चाहिए, तो कोई न कोई आत्मा ऐसी निकलती है जो उसकी सहयोगी बन जाती है, जगदम्बा। बस बैगर टू क्या हो गया, प्रिंस हो गया। फिर उसको कहीं भटकने की दरकार नहीं है, किसी से भीख मांगने की दरकार नहीं है, किसी का आधार लेने की दरकार नहीं है। कोई लेना चाहे तो उसका आधार भले ले, लेकिन उसको किसी का आधार लेने की दरकार नहीं है। इसलिए वो सीढ़ी के चित्र के अंदर नीचे आखिरी सीढ़ी पर वो भारत भिखमंगा के रूप में दिखाया गया है। कौन सी आत्मा की यादगार है? है राम वाली आत्मा की यादगार है। कृष्ण वाली आत्मा तो फिर भी खड़ी हुई है, ऐसा अंतर क्यों है कि कृष्ण वाली आत्मा खड़ी हुई है और राम वाली आत्मा पड़ी हुई है? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा बे है, उर्दू का अल्फ होता है खड़ा हुआ, तो ब्रह्मा बाबा जो है वो खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, दिखावा है, लेकिन वास्तव में पड़ा हुआ है। और जो पड़ा हुआ है वो वास्तव में गीता ज्ञान, नीचे गीता रखी हुई है, वो ही खड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बाबा ये जो 8 प्रश्न पूछे थे मुंबई में, उसका केरल में भी प्रचार किया जा सकता है? कहीं भी किया जा सकता है, वो तो प्रश्न पत्र हैं। बेसिक वालों से भी पूछा गया, एडवांस वालों से भी पूछा गया। अब जो एक्यूरेट जवाब दे करके दूसरों को संतुष्ट करके दिखाए,
कौन है एडवांस पार्टी, ये नीचे क्यों लिखा है एडवांस पार्टी, तो उन्हीं को जवाब दे दो, एडवांस पार्टी तो ऊपर वाली है। वो जवाब देते हैं ना, एडवांस पार्टी कौन, जो शरीर छोड़ गए वो सब ऊपर वाले हैं एडवांस पार्टी, उन्होंने ही छपाए हैं, हम तो नहीं है एडवांस पार्टी। माताओं से टकराएंगे नहीं जल्दी, टकराएंगे तो उन्हीं की हार हो जाएगी। केरला में माता को भी टकराती है, माता को भी टकराते हैं, तो माता सिंघनी का रूप धारण नहीं करती, गधेड़ी है क्या है? माता शिव बाबा की शक्ति नहीं बनती है, आपने जबरदस्ती उनका गला पकड़ के नाम नंबर डलवा दिया होगा। जो स्वेरनी शक्ति होगी वो स्वेच्छा से चलेगी या किसी की गला पकड़ने से चलेगी है? स्वेच्छा से चलाओ, पहले पूछ लो उनसे कि आपका आपको सेवा करनी है या नहीं करनी है।